माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे पाकिस्तान ड्रामों के बारे में जिन्होंने टीआरपी के तो रिकॉर्ड तोड़ दिए और काफी अर्से तक यूट्यूब पर भी छाए रहे। नंबर वन पर जो ड्रामा है उसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि उसने कितने व्यूज लिए और कितनी टीआरपी हासिल की। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सीरियल मेरे हम सफर नाजरीन, इस ड्रामे ने दुनिया भर में कई रिकॉर्ड तोड़े और इस ड्रामे की हर एपिसोड यूट्यूब पर ट्रेंडिंग पर रही। इस ड्रामे की पहली ही एपिसोड ने 55 मिलियन व्यूज हासिल करके लोगों को हैरान कर दिया। ड्रामे की लीड कास्ट के बारे में बात की जाए तो ड्रामे में हानिया आमर और फरहान सईद ने अपनी पावरफुल अदाकारी करके लोगों के दिल छू लिए। ड्रामा 2022 में ARY डिजिटल पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल चुपके चुपके नाजरीन ने कैसा पाकिस्तान ड्रामा जिसने लोगों पर काफी अर्से तक सहर बनाए रखा और यूट्यूब पर भी काफी अर्सा छाया रहा। इसकी एक एपिसोड ने 26 मिलियन व्यूज हासिल करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। ड्रामे की लिस्ट वर्क के बारे में बात की जाए तो इस ड्रामे में उसामा खालिद भट्ट और आयदा खान मरकजी किरदार में नजर आए जिनकी नोक टोक वाली अदाकारी ने लोगों के दिल छू लिए। ये ड्रामा एक बेहतरीन पाकिस्तान रोमांटिक और कॉमेडी ड्रामा था जो की 2021 में हम टीवी पर ऑन एयर हुआ। परिजा नादरीन एक हाईएस्ट रेटेड पाकिस्तान ड्रामा जो कि हर घर का पसंदीदा ड्रामा बना रहा। ड्रामे ने न सिर्फ टीआरपी के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि यूट्यूब पर भी इसकी हर एपिसोड ट्रेंडिंग में रही। बात करें ड्रामा सीरियल परिजात के व्यूज के हवाले से तो इस ड्रामे की एक एपिसोड ने 45 मिलियन व्यूज हासिल करके कामयाबी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। ड्रामा सीरियल परिजात की कॉस्ट के हवाले से बात की जाए तो इस ड्रामे में अहमद अली अकबर, नुमान इजाज, जुमना जैदी, सबूर अली और मरवा हुसैन ने मरकजी किरदार अदाया और इनकी बेहतरीन अदाकारी ने ड्रामे को ब्लॉकबस्टर बनाया। परिजात 2021 में टीवी पर ऑन एयर हुआ। सीरियल अहद वफा नाजरीन, इस ड्रामे ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहां जहां पाकिस्तान ड्रामे देखे जाते थे वहां वहां तबाही मचाई। इस ड्रामे की मकबूलियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड को सिनेमाघर में भी दिखाया गया। ड्रामे के व्यूज के हवाले से बात करें तो इसके एक एपिसोड ने 62 मिलियन हासिल करके सबको हैरान कर दिया। ड्रामे की लीड कास्ट में अहद रजा मीर, उसामा खालिद भट्ट, वहाज अली और अहमद अली अकबर और अली देशा शामिल थे। ड्रामा 2019 में हम टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल सुनो चंदा नाजरीन एक ऐसा पाकिस्तान ट्रेंड मेकर ड्रामा जिसने कामयाबी के नए नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। इस ड्रामे की मकबूलियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर पाकिस्तान ड्रामा देखने वाले ने ये ड्रामा तो जरूर देखा होगा। क्या आपने भी ये ड्रामा देखा है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। ड्रामे के व्यूज के हवाले से बात करें तो इसकी एक एपिसोड ने 77 मिलियन व्यूज हासिल करके कामयाबी का एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। ड्रामे की लीड कास्ट में इकरा अजीज और फरहान सईद शामिल थे। इनके करेक्टर जिया और अरसल बेहद मकबूल हुए। सीरियल सुनो चंदा 2018 में हम टीवी पर ऑन एयर हुआ। सीरियल कैसी तेरी खुदगर्दी नाजरीन, ये ड्रामा इतना हिट हुआ कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ओवरऑल ये एक हाईएस्ट रेटेड पाकिस्तान ड्रामा रहा जिसने 2022 में आने वाले तमाम ड्रामों को पीछे छोड़ दिया और कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्दी के व्यूज के हवाले से बात करें तो इसके एक एपिसोड ने 92 मिलियन व्यूज हासिल किए। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्दी की लीड कास्ट के बारे में बात की जाए तो इस ड्रामे में दूर फशां सलीम, दानिश तैमूर और नुमान इजाज शामिल थे। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्दी 2022 में ARY डिजिटल पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद नाजरीन, बेहतरीन स्टोरी और उमदा अदाकारी ने देखने वालों का दिल छू लिया। इस ड्रामे की मकबूलियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसने 23 की टीआरपी हासिल करके हम टीवी के तमाम ड्रामों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यूट्यूब पर भी एक ड्रामा काफी अर्सा तक छाया रहा और इसकी पहली एपिसोड पर 100 मिलियन व्यूज आए। इस ड्रामे के लीड कास्ट के बारे में बात की जाए तो ड्रामे में बिलाल अब्बास और दुरे फिशान सलीम ने मरकजी किरदार अदा किया। इन दोनों की अदाकारी को देखने वालों को हैरान कर दिया। ये ड्रामा एक बेहतरीन पाकिस्तान रोमांटिक ड्रामा साबित हुआ। ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद 2023 में हम टीवी पर ऑन एयर हुआ। सीरियल मेरे पास तुम हो नाजरीन, अगर आप सोच रहे हैं कि इस ड्रामे के व्यूज तो काफी कम थे मगर ये ड्रामा नंबर 3 पर क्यों है तो आप बिल्कुल सही हैं। मगर ये ड्रामा जब यूट्यूब पर आया था सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ड्रामा मेरे पास तुम ही था। ओवरऑल ये एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा साबित हुआ था और इसकी हर एपिसोड यूट्यूब पर ट्रेंडिंग थी। इस ड्रामे की OST ही नहीं 171 मिलियन व्यूज हासिल किए। ये पहला ऐसा पाकिस्तानी ड्रामा था जिसने 37 की TRP हासिल की। ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम्हों के लिए कास्ट में हुमायूं सईद, आयजा खान, अदनान सिद्दीकी और हीरा मानिश शामिल थे। ये ड्रामा 2019 में ARY डिजिटल पर ऑन एयर हुआ।
जियो एंटरटेनमेंट की सीरीज खुदा और मोहब्बत का सीजन 3, जिसके हर एपिसोड यूट्यूब पर ट्रेंडिंग रही। इसकी एक एपिसोड ने 127 मिलियन व्यूज हासिल करके कामयाबी का एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। ओवरऑल इस ड्रामे ने 2.7 बिलियन व्यूज हासिल करके एक नया ट्रेंड सेट कर दिया। इस ड्रामे की लीड कास्ट के बारे में बात की जाए तो इस ड्रामे में इकरा अजीज और फिरोज खान शामिल थे, जिनकी अदाकारी ने इस ड्रामे को ब्लॉकबस्टर बनाया। ये एक रोमांटिक और इमोशनल पाकिस्तानी ड्रामा था जिसकी लास्ट एपिसोड ने सबको हिला कर रख दिया। तो सीरियल खुदा और मोहब्बत 2021 में जियो एंटरटेनमेंट पर ऑन हुआ। ड्रामा सीरियल तेरे बिन नाज़रीन जियो एंटरटेनमेंट का एक और शानदार ड्रामा जिसने खुदा और मोहब्बत का रिकॉर्ड तोड़ा और ओवरऑल 3 बिलियन से ज़्यादा व्यूज हासिल किए। नाज़रीन इस ड्रामे की हर एपिसोड ने 40 मिलियन से ज़्यादा व्यूज हासिल करके इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ट्रेंडिंग पर रहा। ड्रामे की लीड कास्ट के बारे में बात की जाए तो इस ड्रामे में यमुना देवी और वहाज अली शामिल थे। इन दोनों की बेहतरीन अदाकारी ने देखने वालों को इनका दीवाना बना दिया और ये पाकिस्तान के मोस्ट फेवरेट एक्टर बन गए। ड्रामा सीरियल तेरे बिन 2022 में जियो टीवी पर ऑन एयर हुआ। तो नाज़रीन ये थे 10 मोस्ट पॉपुलर पाकिस्तान ड्रामा। इनमें से आपका कौन सा ड्रामा फेवरेट था हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मजीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।